जानते हैं इस श्री राम चरित्र को लिखने से पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जो इसके रचयिता हैं वे भी संसारी मोह माया में उलझे हुए थे। उनका चरित्र आपने सुना ही होगा। एक बार उनकी वह पत्नी जिसको वे बहुत चाहते थे जिसका नाम था रत्नावली, उसके मोह में वो अपनी मायके चली गई थी, तो ये रह नहीं पा रहे थे, इन्हें नींद ना आए। अब इन्हें रात को इतनी जोर से याद आई कि इन्होंने नींद छोड़कर उठे बिस्तर से और रात को ही मिलने चल दी अंधेरे में। अब एकदम पहले सोचा नहीं था कि रास्ते में नदी पड़ती और रात में कोई नाव भी नहीं चलती तो पार कैसे करें नदी। तभी उन्होंने देखा कोई लकड़ी सी तैरती नजर आ रही है, तो उन्होंने सोचा अरे तुलसीदास पकड़ ले से, नहीं तो ये भी हाथ से निकल जाएगी। पकड़ के उस पर बैठ के नदी पार की किसी तरह, और वहां जब अपने ससुराल वाले घर पहुंची तो देखा अगर मैं आवाज दूंगा और लोग पूछेंगे क्यों आए तो उन्हें क्या बताऊंगा, लोग तो हंसेंगे फिर ऐसे थोड़ी, तो मुझे तो कुछ और करना पड़ेगा, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने। तब उन्होंने धीरे से ससुराल वाले घर के पीछे गए, द्वार तो बंद था लगा हुआ था, कहीं कुछ कोई रास्ता मिल जाए। उन्होंने देखा पीछे ससुराल वाले घर के एक रस्सी सी टंगी हुई है, अंधेरा था तो कुछ कुछ वैसा नजर आया। उन्होंने कहा अरे देखो रत्नावली कितनी समझदार है, उसे पता था कि मैं आने वाला हूं इसलिए उसने मेरे लिए पहले से ही रस्सी की व्यवस्था कर दी, अभी चढ़ता हूं। और उसी रस्सी को पकड़कर तुलसीदास जी चढ़ गए ससुराल वाले घर के अंदर और सीधे रत्नावली के कक्ष में पहुंचे, वहीं की रस्सी। जैसे ही पहुंचे उसको आवाज दी, रत्नावली ने एकदम आंखें खोली, अरे ये क्या है स्वामी, आप इस वक्त आप नदी पार कैसे की, आप घर में कैसे आए, मुझे तो कोई द्वार की आवाज ही नहीं है। तो तुलसीदास जी ने बताया कि नदी पार तो मैंने वो एक लकड़ी पकड़ के कर ली और तुमने जो मेरे लिए रस्सी डाली थी ना, हाँ वही रस्सी पकड़ कर मैं ऊपर चढ़कर आया हूं तुम्हारे कक्ष में। रस्सी की बात तो तुलसीदास जी बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि हाँ तुमने जो ली थी वही रस्सी, बस वही पहन के उसी पर लटक कर आया। लेकिन रत्नावली ने क्योंकि कोई रस्सी डाली नहीं थी तो उसने पूछा कि रस्सी कौन सी रस्सी, मैंने तो कोई रस्सी नहीं डाली। और जब दोनों ने पुनः जाके उसी दीवाल पर देखा तो क्या पाया, जिसे तुलसीदास जी एक रस्सी समझकर उस पर चढ़कर आए थे वो कोई रस्सी नहीं थी बल्कि वो तो अजह एक सांप था, अजगर था। बताओ इतना भी होश नहीं। और ये देखने के बाद तो वे भागे भागे गए उस नदी किनारे जहां पार करके आए थे, तो क्या देखा, जिसे तुलसीदास जी एक लकड़ी समझकर उसे पकड़कर पार होके आए थे वो कोई रस्सी नहीं थी, वो कोई लकड़ी नहीं थी, वो एक मरे हुए आदमी की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर तुलसीदास जी की पत्नी ने बहुत कारण बहुत जोर से फटकार लगाई, बहुत समझाया, मेरे इस हाड़ मास के शरीर से जितनी भी तुम्हारी आसक्ति है, जितना भी तुम्हारा प्रेम है, अगर उससे आधा भी तुम्हारा भगवान में होता ना तो तुम्हारा कब का बेड़ा पार हो गया होता, बेड़ा पार हो गया। बस फिर क्या था, तुलसीदास जी को वो शब्द ऐसे चुभे कि उनके लगते ही तुलसीदास जी उसी समय मोह माया से उचट गया मन पूरी तरह, और वहीं से घर द्वार वेश सब त्याग दिया, साधु वेश धारण कर सीधे चित्रकूट पहुंच गए और वहां भगवान के दर्शनों की आकांक्षा करते।